जय श्री राम। आप सभी भक्तों का स्वागत है संकट कटे मिटे सब पीरा के इस खास प्रोग्राम में। यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से खलनायक रहने की संभावना है। आपको जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे कि आपका स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के बावजूद कहासुनी होने की संभावना है। हालांकि विवाहित जातकों के लिए खुशखबरी यह रहेगी, आपके रिश्ता रोमांचक से भरा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों का मन काम में कम लगेगा, जिससे नौकरी में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो समस्या होने के योग बनेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने कार्य क्षेत्र के बारे में। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जो कुछ हद तक मदद करेंगे, लेकिन 7 जुलाई से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह परिस्थितियां आपकी नौकरी में कुछ परेशानियां दे सकती हैं और आपका नौकरी बदलने का समय आ गया है, ऐसा महसूस हो सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है और व्यापार से भी धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन जीवन साथी के ऊपर आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है। शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से अचानक से कुछ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने धन का सही प्रबंधन करने पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। पंचम भाव में मंगल महाराज आपको प्रेम में पागल बना सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रियतम के लिए हर कीमत पर कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। यह आपके अंदर अधीरता बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में आकर कुछ ना कुछ करना पसंद करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं और यही आपके साथ भी हो सकता है, जिससे आपको अपने प्रियतम के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। और यह समय प्रेम में अच्छा होने के बावजूद भी कुछ परेशानियां दे सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में जो आपके पूरे महीने को शुभ बनाएंगे। आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीपल वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।